स्वागत है आपका बैक ऑन ट्रैक इंग्लिश चैनल पर। आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला शब्द डिबोटी। डिबोटी का अर्थ होता है भक्त। हमारा दूसरा शब्द है प्रॉफिट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मोहम्मद। हमारा अगला शब्द है प्रीच, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रवचन। हमारा अगला शब्द है डिसाइपल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शिष्य। हमारा अगला शब्द है गॉड मैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पंडित। हमारा अगला शब्द है चैंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कीर्तन करना। हमारा अगला शब्द है कंपैशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दया। हमारा अगला शब्द है पिलग्रिम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तीर्थ यात्री। हमारा अगला शब्द है ऑफर द नवाज, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नमाज पढ़ना या फिर नमाज अदा करना। हमारा अगला शब्द है ऑफर द वाटर। ऑफर द वाटर का अर्थ होता है जल चढ़ाना। हमारा अगला शब्द है ऑफर द गॉड फूड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रसाद चढ़ाना। हमारा अगला शब्द है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है धार्मिक सभा, भक्त मंडली। हमारा अगला शब्द है पास्टर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पादरी। हमारा अगला शब्द है सेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साधु। हमारा अगला शब्द है मॉन्क, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भिक्षु। हमारा अगला शब्द है आर्म्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भिक्षा। हमारा अगला शब्द है टैलिस्मैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ताबीज। हमारा अगला शब्द है एब्लूशन। एब्लूशन का अर्थ होता है हाथ पैर धोना, जब कोई धार्मिक क्रिया करनी हो। हमारा अगला शब्द है सेलिब्रेट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ब्रह्मचारी। हमारा अगला शब्द है सैक्रमेंट। सैक्रमेंट का अर्थ होता है प्रसाद। हमारा अगला शब्द है डिवाइन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है देवी। हमारा अगला शब्द है सेक्रेट प्लेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पवित्र स्थान। हमारा अगला शब्द है इनकारनेशन। इनकारनेशन का अर्थ होता है अवतार। हमारा अगला शब्द है इमोर्टल। इमोर्टल का अर्थ होता है अमर। हमारा अगला शब्द है मोर्टल। मोर्टल का अर्थ होता है नश्वर। हमारा अगला शब्द है मेक अबो। मेक अबो का अर्थ होता है मन्नत मांगना। हमारा अगला शब्द है थिस्ट। थिस्ट का अर्थ होता है आस्तिक। हमारा अगला शब्द है एथिस्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है नास्तिक। हमारा अगला शब्द है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है संशयवादी। वो संशयवादी जो कंफ्यूज हो, सोचता हो कि भगवान है या नहीं है। हमारा अगला शब्द इंसेंस्टिक। इंसेंस्टिक का अर्थ होता है अगरबत्ती। हमारा अगला शब्द है इंसेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है धूप, जो पूजा में जलाई जाती है। हमारा अगला शब्द है असेटिक, इसका हिंदी अर्थ होता है योगी। हमारा अगला शब्द है स्क्रिप्चर, जिसका हिंदी का अर्थ होता है धर्म ग्रंथ। हमारा अगला शब्द है प्रोसोलाइट। प्रोसोलाइट का अर्थ होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। हमारा अगला शब्द है एमुलेट। एमुलेट का अर्थ होता है कुर्बानी देना, बलि देना। हमारा अगला शब्द है कीप द फास्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है व्रत रखना। हमारा अगला शब्द है वर्शिप, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूजा करना। हमारा अगला शब्द है सेक्रेट थ्रेड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जनेऊ, या आप कह सकते हैं पवित्र धागा। हमारा अगला शब्द है होली वाटर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गंगा जल। हमारा अगला शब्द है रिचुअल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हवन। हमारा अगला शब्द है टेम्पल बेल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मंदिर की घंटी। हमारा अगला शब्द है कॉन्च शेल। कॉन्च शेल का हिंदी अर्थ होता है शंख। हमारा अगला शब्द है प्रोटेक्शन थ्रेड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मोली। हमारा अगला शब्द है सेंसर। सेंसर का हिंदी अर्थ होता है धूपदानी, जिसमें आप धूप जलाते हो। हमारा आज का आखिरी शब्द है वर्शिप आइटम्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूजा सामग्री।